25 फरवरी को गुरुग्राम के पटौदी इलाके में शराब कारोबारी दो भाइयों की हत्या का आरोप काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटरों पर लगा। इस हत्याकांड को दिल्ली एनसीआर में शराब कारोबार में वर्चस्व को अंजाम देने की लड़ाई के तौर पर देखा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शार्प शूटर विकास कांत और होशियार उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया। उसके बाद मामले में और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल ये कि क्या है पूरा मामला और कैसे शराब कारोबार को लेकर वर्चस्व की जंग इतनी बड़ी हो गई। दरअसल चर्चा इन दिनों कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर है। दो गैंग के बीच दुश्मनी की वजह शायद शराब के करोड़ों के कारोबार पर कब्जा करना है। गुरुग्राम से न सिर्फ हरियाणा का बल्कि दिल्ली एनसीआर के शराब कारोबार का भी बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है, जिससे हर साल आबकारी विभाग को शराब कारोबार से रेवेन्यू के रूप में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन होता है और फिर शराब व्यापारियों का मुनाफा भी अलग से होता है। तो अभी तक तो यहाँ के कारोबार पर कौशल चौधरी का कब्जा है, लेकिन अब इस पूरे कारोबार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना दबदबा कायम करना चाहता है और यही वजह है लड़ाई की। पहले जान लेते हैं कि ये दोनों गैंगस्टर हैं कौन और कैसा रहा है इनका अब तक का इतिहास। कौन है गैंगस्टर कौशल चौधरी? हरियाणा के कुख्यात बदमाशों में से एक है कौशल चौधरी। कौशल के खिलाफ मर्डर, हत्या की धमकी, लूट, जमीन कब्जा ने, रंगदारी वसूल ने, किडनैपिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। विदेश में बैठकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। फिलहाल पंजाब की गुरदासपुर जेल में बंद है। फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या में नाम सामने आया। नाहर सिंह रूपा गाँव का रहने वाला है कौशल, जिसके पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। कौशल भी सबमर्सिबल पंप रिपेयर का काम करता था। साल 2005 में कौशल के भाई के गैंगस्टर सुदेश उर्फ चेलू ने हत्या कर दी। घर में मातम छा गया और कौशल ने ठान लिया कि बदला लेकर रहेगा। कौशल ने राजस्थान के बदमाश सूबे गुर्जर और अमित डागर के साथ मिलकर अपना गैंग बना लिया और फिर सुदेश की हत्या करवा दी, जिसके बाद कौशल को गिरफ्तार कर लिया गया। कौशल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जेल से ही उसने सुदेश की पत्नी को मरवाने की प्लानिंग रच डाली। साल 2017 में कौशल को मौका मिला था तो वो थाईलैंड से दुबई भाग गया था। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। एसटीएफ के मुताबिक कौशल ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए नीरज बवाना से हाथ मिला लिया था। अब अगला सवाल ये कि कौशल की तो बात हो गई, अब ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? इन्हीं दोनों के बीच में तो वर्चस्व की लड़ाई है, तो दोनों के बारे में तो जानना बेहद जरूरी है। तो कौन है लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई साल 2018 में फिल्म एक्टर सलमान खान के मर्डर की सुपारी को लेकर चर्चा में आया था। काला हिरण मामले में वो सलमान खान से बदला लेना चाहता था। बिश्नोई समाज में काले हिरण को पूजा जाता है। 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फजिलका का रहने वाला है। चंडीगढ़ सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज से उसने अपनी पढ़ाई की और यहीं से उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कॉलेज में ही बिश्नोई का गैंग बन गया था। धीरे धीरे बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पंजाब और उसके बाद हरियाणा और फिर दिल्ली और आसपास के राज्यों में फैलाया। बिश्नोई के खिलाफ हत्या, लूट और मारपीट और चोरी के कई केस दर्ज हैं। बिश्नोई फिलहाल अजमेर जेल में बंद है। अपने गैंग को बढ़ाने के लिए गैंगस्टर बिश्नोई ने गैंगस्टर जठेड़ी को अपने साथ मिला लिया। अब ये दो गैंगस्टर साथ में गुरुग्राम के शराब कारोबार पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिसकी शुरुआत इसी साल मार्च में हुई है। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में शराब कारोबारी दो भाइयों परमजीत ठाकरान और सुरजीत ठाकरान की हत्या की गई और ये दोनों भाई जेल में बंद कौशल के भी काफी करीबी माने जाते थे। माना जा रहा है कि शराब कारोबार पर कब्जा करने के लिए ही ठाकरान भाइयों की हत्या करवाई गई। पुलिस ने इस मामले में विकास, रिंकू समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कांड में 11 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। ठाकरान भाइयों का लिंक बिश्नोई से ऐसे निकला कि ठाकरान भाइयों के गाँव का रहने वाला अजय जैलदार काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का खास है। इलाके में शराब की सप्लाई के कारोबार को लेकर अजय जैलदार की ठाकरान भाइयों से बनती नहीं थी। पुलिस की माने तो लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गों का मर्डर कौशल गैंग ने कुछ महीने पहले करवाया था। इसके बाद ही ठाकरान भाइयों की जान ली गई। ठाकरान भाइयों की हत्या के अलावा शराब कारोबारी और नगर पालिका चेयरमैन चंद्रभान सहगल को धमकी मिली थी। फिर पटौदी के घर के बाहर फायरिंग भी हुई। इस सब को लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग से जोड़कर देख रही है पुलिस। हालांकि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, जांच फिलहाल जारी है।
पुलिस के मुताबिक पिछले 3 साल में शहर में बहुत शांति थी, लेकिन अब इन सब वारदातों से गैंग वॉर तेज होने की आशंका है। ये बिश्नोई भी जानता है कि बिना कौशल के फाइनेंशियल सपोर्ट को तोड़े वो गुड़गांव के शराब कारोबार पर कब्जा नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि लड़ाई अब और कितनी आगे बढ़ती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कौशल के शराब कारोबार के साम्राज्य पर लॉरेंस बिश्नोई कब्जा कर पाएगा? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।